जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकी हमले के बाद भारत में गुस्से के उबाल को देखते हुए पाकिस्तान में डर और दहशत का माहौल देखा जा रहा है। पाकिस्तान को डर है कि कहीं एक बार फिर भारत पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक ना कर दे। इस बीच 29 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा को कड़ा किया जा रहा है। रियासी हमले के बाद डरा पाकिस्तान। पीओके से सटी पाकिस्तानी सीमा सील। जवानों की बढ़ाई गश्त, पहरा किया सख्त। पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक का डर। जी हां, जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके में श्रद्धालुओं से भरी बस पर हमले के बाद अब पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक का डर सता रहा है। पाकिस्तान इस समय इतना ज्यादा खौफ में है कि उसने पीओके में भारत से लगी पाकिस्तान की सीमा को पूरी तरह से सील कर दिया है। चप्पे चप्पे पर निगरानी को कड़ा कर दिया गया है, सीमा पर गश्त को बढ़ा दिया गया है और जवानों को अलर्ट पर रखा गया है। इस बीच पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के पूर्व प्रधानमंत्री राजा मोहम्मद फारूक अहमद डार ने सोशल मीडिया पर अपने इस डर को उजागर भी कर दिया है। डार ने लिखा कि रियासी हमले के बाद पाकिस्तान को अब पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। पाकिस्तानी सेना को भी भारत के पलटवार का डर है, इसके चलते पीओके से सटी भारतीय सीमा को पाकिस्तानी सेना ने सील कर दिया है और वहां गश्त को और ज्यादा सख्त कर दिया है। पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक का खतरा इसलिए भी सता रहा है क्योंकि वहां पाकिस्तानी सेना की शह पर कई आतंकी संगठनों के बड़े पैमाने पर कैंप चल रहे हैं, जिनका इस्तेमाल भारतीय सीमा में घुसपैठ और आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए किया जाता है। ऐसे ही कैंपों को साल 2015 में उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक कर ध्वस्त कर दिया गया था। इधर रियासी हमले के बाद कश्मीर घाटी में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बल के जवान चप्पे चप्पे की तलाशी ले रहे हैं। ड्रोन की मदद से पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हमले की जांच में एनआईए की टीम भी जुटी हुई है, जिसने पूछताछ के लिए 6 लोगों को हिरासत में लिया है। इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और सीआरपीएफ कमांडोज की ज्वाइंट टीम को आतंकियों के हथियारों और विस्फोटकों का जखीरा मिला है। आतंकियों के मददगारों के यहाँ छापे में सुरक्षा बलों को पुलवामा जिले में कई AK-47 राइफल समेत अन्य हथियार और भारी मात्रा में विस्फोटक मिले हैं, जिसमें 6 किलोग्राम की 2 बेहद घातक आईईडी भी शामिल है। इन आईईडी का इस्तेमाल सेना के वाहनों को उड़ाने के लिए होता था। इधर कश्मीर में 29 जून से अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है। ये यात्रा हमेशा से ही आतंकियों के निशाने पर रही है, लिहाजा अमरनाथ यात्रा के लिए हाई लेवल की सुरक्षा तैनात करने की योजना पर काम किया जा रहा है। अमरनाथ यात्रा के रास्ते पर अतिरिक्त फोर्स लगाने की तैयारी है, साथ ही पहाड़ी इलाकों में भी अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया जाएगा। मोबाइल चेक पोस्ट को बढ़ा दिया गया है, आसपास के बड़े प्रतिष्ठानों की निगरानी कड़ी कर दी गई है, साथ ही कश्मीरी पंडितों की कॉलोनियों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कश्मीर में 2 दिन बाद खीर भवानी की यात्रा भी शुरू होने वाली है, जिसे देखते हुए सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया है। इस बीच भारत में आतंकियों की इस कायराना हरकत के बाद से बेहद गुस्सा देखा जा रहा है। तीर्थ यात्रियों से भरी बस पर हमले के बाद से लोगों में उबाल देखा जा रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई को लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। श्रद्धालु तो घूमने जाएंगे ही, रुकेंगे थोड़ा ना, और तो उनके लिए ना जो सुरक्षा का प्रबंधन करना चाहिए सरकार को। परिवार के आश्रित जनों को एक उचित मुआवजा दिया जाए, तभी हम यहाँ से धरने से उठेंगे। हमारी मांग है उन्हें सरकारी नौकरियाँ दी जाए और 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, जिसमें वो कर्जा भी चुकाएंगे और अपना आगे का भविष्य भी सुरक्षित करेंगे। हमले से गुस्साए लोगों की मांग है कि पाकिस्तान को इस बार ऐसा सबक सिखाया जाए कि वो फिर कभी इस तरह के हमले के बारे में सोचने से पहले 1000 बार सोचे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।